बाकी एक बार रूम का टूर दे देता हूँ। देखो भाई इतनी छोटी सी रूम रहता है, देखो कितना बड़ा रूम है, इतना ही बड़ा रूम रहता है भाई। इतना ही बड़ा रूम पे अपना आशियाना लोगों को बसाना पड़ता है। देखो भाई साहब ये है लड़कों का लाइफ मुंबई में। और आप क्या काम करते हो? अच्छा किराने दुकान पे काम करते हो। किराने दुकान पे कितना मिल जाता है मैंने भाई? ग्रेजुएट पास है फिर इसके लिए इनसे पूछें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास हुनर नहीं है ना तो कोई इज्जत नहीं है। 8-10 हज़ार 12 हज़ार का नौकरी मिलेगा, उसमें से 3-4 हज़ार 5 हज़ार खाने में चले जाएगा, बचेगा 7-8 हज़ार। और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाले हैं, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि यदि मैं मुंबई जाऊँगा तो कैसा रूम पे रहूँगा, मेरा वहाँ पे जीवन कैसा होगा, वहाँ का रहन सहन कैसा होगा, ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको मैं यही दिखाने वाला हूँ कि मुंबई में किस तरह से छोटी छोटी रूमों पे लोग रहते हैं और अपना ज़िंदगी को बिताते हैं। और भाई छोटा रूम पे रहना मजबूरी है क्योंकि इंसान मुंबई या दिल्ली या बेंगलोर या कर्नाटका इधर उधर जहाँ भी हो जाए लोग पैसा कमाने के लिए जाता है। उसी तरह एक मुंबई इंडिया का आर्थिक राजधानी मुंबई जहाँ पे लोग कमाने के लिए आते हैं और यहाँ किस तरह से रहते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और अभी मैं आया हूँ अंधेरी, काफ़ी फेमस इलाका है भाई अंधेरी आया हूँ। और अंधेरी में आप सभी को पता होगा लोखंड वाला, जहाँ पे बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर जो है यहाँ पे उनका बंगलो देखने के लिए मिलेगा। और उसी के अपोजिट साइड देखेंगे ना तो छोटी छोटी रूमों पे आम आदमी का ज़िंदगी होता है, जो बाहर से यूपी बिहार झारखंड इधर उधर से कमाने के लिए आते हैं, तो इसी तरह छोटी छोटी रूमों पे रहते हैं। फिलहाल मैं आया हूँ अभी अपना दोस्त सूरज भाई के रूम पे। सूरज भाई एक यूट्यूबर भी है और जॉब भी करता है और रूम का भी काम करता है, भाई सब चीज़ करता है। ये देखो लड़कों का ज़िंदगी अभी आप सभी को इस वीडियो में पता चलने वाला है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं ना कि भाई मैं मुंबई भाग के जाऊँगा तो भाग के आओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल देख लो भाई ये ऐसा रूम का नज़ारा है और दोनों भाई इधर खाना पीना बना रहा है। खाना पीना बना लेने दो, उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे। बाकी एक बार रूम का टूर दे देता हूँ। देखो भाई इतनी छोटी सी रूम रहता है, देखो कितना बड़ा रूम है, इतना ही बड़ा रूम रहता है भाई। इतना ही बड़ा रूम पे अपना आशियाना लोगों को बसाना पड़ता है। ये देखो देखो भाई साहब ये है लड़कों का लाइफ मुंबई में। आज जॉब करके कितने बजे आए हो भाई? 11 बजे। नाइट में करते हो भाई साहब? नाइट में जॉब करके आया, दिन को सोना चाहिए, तो यहाँ देखो खाना बना रहा है भाई। वाइफ नहीं है ना, अभी शादी नहीं किया है ना, इसके लिए खुद करना पड़ रहा है। तो मुंबई लेके आओगे कि नहीं? ना, मुंबई नहीं लेके आऊंगा। खाना पीना बना के देगा यार, देखो कितना मेहनत कर रहे हो। देखो खाना बना लेता हूँ ना अच्छा वाला। तो सोओगे कब, आराम कब करोगे? देखो भाई मुंबई में लड़कों का स्ट्रगल देख रहे हैं ना, कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ चिकन बनाया जा रहा है भाई, मैं आया हूँ इसके लिए खास बना रहा है, बाकी चिकन तो कल ही खाया था ना भाई। और आपका क्या नाम है भाई? रवि। ये इनका भी रवि नाम है, मेरा भी रवि नाम है। और आप क्या काम करते हो? कुछ नहीं, किराने की दुकान पर। अच्छा किराने दुकान पे काम करते हो। किराने दुकान पे कितना मिल जाता है महीने का? 12-13 हज़ार मिल जाता। बच कितना जाता है? 8-9 हज़ार बच जाता है। डिप्टी कितना घंटा लेता है? 14 घंटा। भाई साहब इतना खटाता है सूरज भाई। और सूरज भाई आपका कितना लेता है मेडिकल में? तो यार इसको भी सिखा दो यार मेडिकल में। वो सीखेगा अभी, वो गांव जा रहा है ना। अच्छा गांव जा रहा है, जाएगा तो सीख जाएगा। तो देखो भाई यही कुछ ज़िंदगी होता है मुंबई में छोटी छोटी रूमों में। ये देख सकते हो ये मोहरी है यहाँ पे, मतलब नहाना धोना सब चीज़ यहाँ, बर्तन वर्तन धोना सब चीज़ यहाँ, और सोना इसी के बाजू में ना। देखो देखो यहीं पे सोना होता है। ये देखो इधर 3-4 आदमी अपना, अभी कितना आदमी हो इधर? 2 ही आदमी। अच्छा दो भाई बाद में आएगा ना। तो देखो भाई ये पानी का बाटली है, देखो किस तरह से रखा हुआ है, छोटी सी जगह पे रखना पड़ता है। ये गैस का बाटली है भाई, और इधर सामने देखो राशन वासन रखा हुआ है भाई का। ये लोग दो जन यहाँ पे रहते हैं, काफ़ी स्ट्रगल भरा ज़िंदगी मुंबई में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ये देखो इधर कपड़ा वपड़ा लगा है, इतना सामने पंखा लगा है भाई, और छोटी सी रूम रहता है भाई। इसी पे आप आओगे अपने फैमिली के साथ, जैसे अभी हम लोग बेचूलर हैं तो इसी तरह रहते हैं 4-5 लड़के, और आप अपने फैमिली के साथ आते हैं तो इसी तरह आपको फैमिली के साथ में रहना पड़ेगा। इतना छोटा सा रूम में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों के साथ रहना पड़ेगा भाई, है ना। और सूरज भाई अपना एक्सपीरियंस बताओ। बस यार बढ़िया है भाई। जो मतलब मुंबई भाग करके आना चाहता है उसके लिए क्या बोलना चाहते हो? मुंबई जो भाग करके आता है भाई, सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर मुंबई जो भी कोई आता है किसी के मतलब भरोसे मत आइए,
के पहले मुंबई आना तो कोई तुम्हारा होना चाहिए खास या फिर कोई यहाँ रिश्तेदार, क्योंकि कोई यहाँ पर होता नहीं है किसी का। भाई खाने के लिए सब देंगे, रहने के लिए कोई नहीं देता, क्योंकि मैंने देखा है मैं 3 महीना मतलब बहुत मतलब 3 महीने जब मैं स्टार्टिंग में आया 3 महीने में काफ़ी दूर था और पैदल जाता था कम से कम 5 किलोमीटर दूर काम करने के लिए। कोई मतलब कि कोई रहे तभी मुंबई आना। और मैं बता दूँ कि मुंबई में मतलब बहुत ही स्ट्रगल करने पड़ता है भाई। मैं बताता हूँ कि मैंने कह रहा भाई साहब मुंबई में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। और भाई ने जैसा बोला कि यहाँ पे आपको खाने के लिए 2 वक्त का खाना सब खिला देगा लेकिन रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। यदि यहाँ मेहमान भी आता है ना तो जो जिनके घर पे आता है वो ये सोचता है कि अभी खा वा के शाम को निकल जाए, है ना, क्योंकि जगह नहीं रहता है भाई सोने वोने का। तो फिलहाल कुछ ऐसा अपना रहन सहन है भाई मुंबई का। यदि आप कभी आएंगे तो इसी तरह आपको रहना मिलेगा। ये देखो कपड़ा वपड़ा। और भाई इसका मतलब मान लो कोई नया नया आता है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, जैसे कि डिपॉजिट देना, रूम भाड़ा, कितना खर्चा आ जाता है थोड़ा बता दो। तो आप आते मुंबई के अंदर तो पहले तो आपको रूम लेना पड़ेगा। रूम जो है कि मिलता नहीं है जल्दी से, मिलता भी है तो आपको डिपॉजिट मुंबई के एरिया के साथ होता है। जैसे कि मुंबई में काफ़ी महंगा महंगा है, गोरेगांव हो गया, अंधेरी हो गया और बोरवली हो गया, ये सब एरिया मतलब महंगा है। अभी मैं जहाँ पर हूँ फिलहाल ये भी 5 से 6 हज़ार यहाँ का भाड़ा है, डिपॉजिट जो है नहीं। सीधा सीधा ये बता दो कि अगर कोई आता है तो उसके पास कितना रहना चाहिए, अगर कोई नया है तो उसके पास कितना रहना चाहिए, तो कहीं रूम पे शिफ्ट हो सकता है वो। अगर उसके पास नया है, अगर कोई नहीं है, अगर उसको कोई नहीं है तो उसको कम से कम 30,000 रुपये लेके आना पड़ेगा। भाई साहब इंसान 30,000 रुपये कमाया नहीं है, 30,000 रुपये मुंबई सोचता है कमाने के लिए आते हैं ना सब भाग करके कमाने के लिए, बट यहाँ पर 30,000 रूम लेने के लिए हमारे पास कोई नहीं, 30,000 लेके आना पड़ता है, 30,000 लेके आना पड़ता है भाई। और यदि आपके पास पहचान है तो सही है, वरना मुंबई में ऐसी ऐसी सच्चाई है ना भाई, रेल को पटरी के किनारे लोग क्यों सोते हैं, मजबूरी रहता है, उसके पास पैसा नहीं रहता है, मुंबई भाग करके आ जाते हैं, भाग करके आने के बाद उसी तरह ये हो जाता है भाई, कोई नशे के चक्कर में पड़ जाता है, कोई इधर उधर कोई को फंस जाता है। और शुरू में आएंगे तो भाई आपके पास पैसा रहना ही चाहिए, बहुत से लोग भाग करके आते हैं और इधर उधर ज़िंदगी में फंस जाते हैं। और भाई कब आए हो मुंबई, कितना साल हो गया? 2 साल। अच्छा 2 साल हो गया। काम पहले मेडिकल से कर रहा हूं। अच्छा मेडिकल से, अभी तो आपका कितना दिन हो गया? 2 महीने। 2 ही महीना हुआ है? अच्छा है भाई, ये कैसा लगा मुंबई में 2 महीना रहने में? 2 महीने ऐसे भाई जैसे कि जान निकल गई। जान निकल गया भाई, देखो क्या है कि टाइम बचता नहीं है, ना सोने का टाइम मिलता है, ना सुबह खाना बनाने का टाइम मिलता है। 8 बजे जाओ, उधर 10 बजे आओ। 8 बजे भाई साहब, 8 बजे मॉर्निंग में जाओ और सुबह रात को 10 बजे आओ, तो भाई समझ सकते हो इंसान थक मर के आता है। खाना बनाना, कपड़ा धोना, उसी में सोना, कपड़ा धोना, उसी में खाना बनाना है, तो कैसा मज़ा आता है कि नहीं? लेकिन इंसान को कमाने के लिए मुंबई आना होता है भाई, ये सारी चीज़ें आप सभी को यदि कभी आते हैं बाई चांस भविष्य में तो ये सारी चीज़ें आप सभी को झेलना पड़ेगा मुंबई के अंदर। यही तो है मुंबई का काली सच्चाई जो आप सभी को अभी दिखाएँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अच्छा लगता है कि हम मुंबई जाएंगे, कमाएंगे, अच्छे से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। अच्छा मुंबई नहीं आया था, गांव में था, उस समय क्या सोच रहा था कि मुंबई जाऊंगा, क्या क्या करूंगा, थोड़ा बताओ अपना फीलिंग। मुंबई जाएंगे, मैं तो सोचा मुंबई जाऊंगा, अच्छे से रहूंगा, कोई अच्छी जॉब मिलेगी। हाँ मतलब पढ़ाई लिखी सब चीज़ें मैंने ग्रेजुएट की, बट ग्रेजुएट पास है भाई। हाँ लेकिन ना कोई अच्छी जॉब मिली, किराने स्टोर पर काम कर रहा हूँ। देखो ग्रेजुएट होने के बाद भी यहाँ पे किराना स्टोर पे काम करना पड़ता है, मुंबई ऐसा शहर है ना भाई, यदि आपके पास हुनर नहीं है तो कोई इज्जत नहीं है। कुछ नहीं है इज्जत भाई, नहीं भाई जानते हो तो मेरा भी चैनल है इसका ब्लॉग्स जो है, एक है जुब्बी झोपड़पट्टी का और एक रिएक्शन का है सूरज ब्लॉग 01 और सूरज जी ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन पे दोनों चैनल का नंबर चैनल ऐड कर दूंगा भाई, सपोर्ट करना इसी तरह, काफ़ी मतलब उसकी वीडियो है और इंटरटेन भी है, और ये मुंबई का भी जो है जो भी सब कितना स्ट्रगल करता है भाई, यूट्यूब पे भी काम करता है, जॉब भी करता है रात को मेडिकल, और दिन को जो समय मिलता है उसमें एडिटिंग वगैरह में चले जाता है, सोता बहुत कम है ना भाई। ये देखो यही तो जिंदगी है अपना, देखो इसी तरह बैठ के ब्रश देखो भाई अभी कर रहा है। एक ब्रश कितने बजे कर रहे हो? 12:01 बजे, क्योंकि इसका नाइट का ड्यूटी है ना, इसके लिए 12:01 बजे। थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखा दो, छोड़ दो बाहर का नहीं दिखाऊंगा, महिला वगैरह है देखो, ये सब छोटी छोटी रूमें हैं भाई, देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी रूमों पे लोगों का आशियाना बसा होता है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह का ज़िंदगी में दिखाते रहता हूँ मुंबई के अंदर। और सूरज भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके, वो भी मेहनत करता है भाई, क्या क्या करता है वो सारी चीज़ें आप सभी को उस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। और क्या बोलना चाहोगे जो आना चाहता है मुंबई भाग कर? मैं यही
यही कहूँ कि अब भाग करना है भाई, भाग करना है, क्योंकि कुछ कुछ करो लाइफ में जो कि आपको अच्छी जॉब अच्छी पोस्ट ले जाए। भागने में और ये सब करने में कुछ नहीं रखा भाई। भाई ग्रेजुएट पास है फिजिक्स के लिए, इनसे पूछें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास हुनर नहीं है ना तो कोई इज्जत नहीं है। 8-10 हज़ार 12 हज़ार का नौकरी मिलेगा, उसमें से 3-4 हज़ार 5 हज़ार खाने में चले जाएगा, बचेगा 7-8 हज़ार, और आपको काम इतना करना पड़ेगा, 14-15 घंटा काम करना पड़ेगा भाई। तो वही हिसाब से बहुत से लोग आ जाते हैं। तो ये वीडियो में आप सभी को बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिला होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।